जय हिंद दोस्तों। आज एक खुशखबरी है सभी जवान भाइयों के लिए, देश के युवाओं के लिए जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए। ये खुशखबरी है जो हमने मिशन तिरंगा चलाया था वो चल रहा है, और हमारी जो 11 मांगे थी उसमें पहली मांग और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी सहायक सिस्टम। सहायक सिस्टम ख़त्म करने की जो हमारी मांग थी वो सेना ने मान ली है, और सहायक सिस्टम जल्दी ही ख़त्म होगा। पीस स्टेशन में कोई भी जवान सहायक नहीं जाएगा, ये घोषणा सेना जल्दी कर रही है। सिविल बंदे भर्ती कर रही है इसके लिए, वो उनकी हेडेक है, वो कैसे भी करे, लेकिन हमारी मांग मान ली गई है। और ये फील्ड में क्या होगा क्या नहीं इसके लिए डिस्कस जारी है, जिसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जो आगे की रणनीति होगी आपको बता देंगे, लेकिन फील्ड में भी जवान वही काम करेगा जो उसकी वर्दी इजाजत देती है। इस वर्दी को पहनकर एक सेना के जवान हो और जवान की तरह रहो। बूट पॉलिश करना, कुत्ते घुमाना या इनके घरों में जाना, चाहे कहीं भी हो, फील्ड हो या कहीं, कोई नहीं जाएगा। और पीस में बिल्कुल बंद हो रहा है। इस खुशखबरी और इस चीज़ की बधाई, मैं आप सभी को ये जीत की बधाई देता हूँ। आप लोगों के सहयोग से और हमारी सबकी मेहनत से ये हमारी पहली सफलता जो हमें मिली है, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हमारी बाकी मांगें भी जल्दी ही मानी जाएंगी, क्योंकि एकता में ताकत होती है और उस कम्युनिटी को कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए मैंने जो YouTube चैनल बनाया है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF के नाम से, उसमें आप सभी लोग जुड़ो, एक दूसरे को जोड़ो। जिसको नहीं पता है, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं हम कैसे जुड़े, तो उन सभी को जोड़ो। और जल्दी ही मैं दिल्ली से आगे की रणनीति बनाऊंगा। अगस्त में हम रैली कर रहे हैं बाकी मांगों के लिए, तो उसमें मेरा सहयोग दो। रविंद्र सिंह शेखावत कैरोड़ी, ये मेरा फेसबुक पेज है, और रविंद्र फौजी मेरा ट्विटर अकाउंट है। आप सब जगह मुझसे जुड़ सकते हो। और इस जीत के साथ ही मैं उन फिर अफसरों को फिर बताना चाहता हूँ, उन अधिकारियों को, कि आज जवान पढ़ा लिखा जवान आ रहा है। आप लोग जो प्लस टू करके NDA में जाके अफसर बनते हो, हम उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं, लेकिन जवान आपसे भी पढ़ा लिखे जवान आ रहे हैं। पहले अनपढ़ लोगों का जो फायदा तुमने उठा लिया, आज नहीं चलेगा किसी भी हालत में, भूल जाओ ये चीज़ें। मेरे पास कल भी एक कुमाऊं रेजिमेंट का फ़ोन आया है, जिसमें उनका CO छुट्टियां नहीं दे रहा, बोलता है CL तो तुम्हारा अधिकारी नहीं है, मेरी पावर है। तो ये पावर क्या अपने बाप से खरीद के लेकर आया क्या वो? ये भारत सरकार ने उनको जो इतने अधिकार दे रखे हैं, इसमें कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात तो उस जवान ने बताई कि उनका CO इस तरह के गालियां देता है, गंदी गंदी। मैं आखिर अफसरों से पूछना चाहता हूँ कि यार, आप लोग जो पढ़े लिखे दिखाते हो, एक तरफ तो सभ्य समाज बनते हो, और ये गाली करना क्या है तुम्हारा, समझ में नहीं आता। गाली, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे तरीके से रहो, ये गालियां करना, और ये तो आजकल जवान भी नहीं करते, उससे भी ज्यादा तुम कर रहे हो। कौन सी पढ़े लिखे हो गया? और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्लस टू की बजाय इनका और कोई BSc MSc करके भर्ती करो, जिससे ये जब छोड़ेंगे जाके, इनकी इतनी बैड लैंग्वेज जवान भी यूज नहीं करता जितना उसने मेरे को बताया। और बोल रहा था मैं सर वीडियो भेजूंगा इस चीज का, कि वो किस तरह की गालियां माँ बहन की सरेआम देते हैं। एक CO रैंक का कुमाऊं रेजिमेंट है, उसका नाम और उसका सारा विवरण मैं दिल्ली में जाकर पहले वहां बताऊंगा। अगर नहीं मांगेगा तो उसका अगले वीडियो में उसकी सारी कहानी मैं बताऊंगा। इसी तरह एक सिग्नल रेजिमेंट का मेरे पास फोन आया है, एक जवान ने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल जो ऑफिस में लेकर आया था, उसको 7 दिन की RI दे दी गई है, 14 दिन उसका पे फाइन कर दिया गया है। अब ये बताओ आप कितने अधिकारी हैं जो नहीं रखते हैं। मैं उन अधिकारियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम भी सेना के नौकर हो, और वो जवान या हम हैं, सब एक ही है। जिसने वर्दी पहनी है वो भारत सरकार का है, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है कोई। एंड्रॉइड के नाम पर तुम रख सकते हो 10-10 फोन। कितने फौजी अफसर हैं जो लेकर नहीं आते मोबाइल फोन? क्या किसी कानून में लिखा है कि तुम रखोगे और जवान नहीं रखेगा? सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी लूज होती है, आज से पूरा इतिहास उठाकर देखो, जो भी पकड़े गए हैं सब ज्यादातर अफसर ही मिलेंगे, कोई जवान के पास क्या सिक्योरिटी होती है? तो मैं जवान भाइयों से फिर कहना चाहता हूं कि अन्याय सेना और अन्याय करना दोनों ही गलत है। इस अन्याय की लड़ाई में और जवानों के सम्मान की लड़ाई में आप हमारा साथ दो, ये हमारी बाकी मांगे भी मानेंगे। और इनके जो गलत जो ये अफसरशाही दिखा रहे हैं,
अंग्रेजों के रूल, ये सब हम खत्म करवा के रहेंगे। हम भारत सरकार के नौकर हैं, वही भारत सरकार के वो नौकर हैं, किसी के बाप के गुलाम नहीं है। पुराने बंदों से जब भी बात करते थे वो एक ही चीज बोलते थे, अफसर तो भगवान है। तो वो उनको इतना डरा कर रखते थे, कानून उनको पता नहीं था, बस कुछ भी कलम उठाई और दे दिया सजा, तो वो लोग डरते थे। आज का जवान नहीं डरेगा। भारत सरकार को मैं अनुरोध करूंगा, एक एक चिट्ठी जो जवान को क्या क्या लागू है क्या नहीं है वो सब उनकी लाइनों में टके। और आज के वीडियो में मेरा बस सिर्फ पहला काम यही था बताना कि सहायक सिस्टम बंद हो रहा है। अभी भी कुछ लोग जो चमचे हैं वो वॉलंटियर जाएंगे, छुप छुप के जाएंगे, तो ये आप लोगों का सहयोग है। आगे आप बताओगे कौन जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, तब खत्म होगा। हमने हमारा काम कर दिया है, अब आप लोगों का काम है। बताओ जो छुप के जाता है, और वॉलंटियर जो दुखी हो रहे होंगे, मेरे को गाले भी दे रहे होंगे, मैं बता रहा हूं, तो उनसे कहता हूं अगर आप लोगों की सेना से नौकरी नहीं हो पा रही, जाओ किसी बढ़िया की नौकरी करो। अरे हम सीना ताण के जब ही कह सकते हैं, जब हमें कहते हैं बार बार में आधे लोग आपके कुत्ते घुमा रहे हैं, आधे बूट पॉलिश कर रहे हैं, तो उस चीज की हमारे सीने में बैंच गोली की तरह लगती है। हम गोली खा के मरने से ज्यादा इस बात से दुखी हैं कि लोग हमें ये कहते हैं। तो इस सम्मान की लड़ाई ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी, और मैं पहले सेना में रहते हुए भी काफी आवाज उठाई, लेकिन वहां दबा दी गई। लेकिन अब ये आवाज दबेगी नहीं जब तक ये सांस चल रही है, जब तक ये सारी मांगे पूरी करके ही दम लूंगा मैं। आप लोग सहयोग करो, और उन जो वॉलेंटियरों को थोड़ा समझाओ, दिल्ली में बैठ के और जो ग्लेशियर का तुम अलाउंस ले रहे थे, और जो तुम्हारे भाई वहां दिन रात ड्यूटी कर रहे थे, इनकी वजह से ही वहां जवान को दिन रात ड्यूटियां करनी पड़ती है, उनकी आंख लग जाती है, इसी वजह से बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जब ये बुराई खत्म होगी काफी चीज हल हो जाएगा। छुट्टी का मसला भी सिर्फ इसी से जुड़ा होता है, क्योंकि ये जवान छुट्टी नहीं दे पाते। इन्होंने तो रखे हैं, किसी ने एक लगा के, किसी ने दो रखा, किसी ने चर्चा रखा है। जितना बड़ा अधिकारी सोचता है जितने सहायक रखूंगा तो उसकी शान बढ़ जाएगी, अरे इतनी तनख्वाह बढ़ा दी भारत सरकार ने, रख लो ना चार चार पांच पांच सिविलियन रखो। एक मेजर साहब मेरे को कह रहा था कि यार तुम फौज के पीछे क्यों पड़े हो, आईएएस आरएएस और ये भी रखते हैं। मैंने काफी आईएएस आरएएस और सबसे बात की है, बोले हम कभी किसी जवान को या किसी ऐसे हमारे डिपार्टमेंट के बंदों को यूज नहीं करते, पैसे खर्च करते हैं। बोले हम ये आर्मी के अफसर ही हैं जो बोले फ्री का खाने के चक्कर में पड़े होते हैं। सुधर जाओ, आर्मी की भी बेइज्जती तुम लोगों की वजह से हो रही है। आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा, मैं दिल्ली से आकर जल्द ही बाकी बातों की और सब चीजों की घोषणा कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिशन तिरंगा जारी है, जारी रहेगा। जय हिंद।